डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल सुरक्षा जांचों और आपराधिक घटनाओं की तफ्तीश में आमतौर पर किया जाता है, लेकिन अब ड्रग्स के खिलाफ अभियान में भी कैनाइन अहम भूमिका निभाएंगे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में तीसरी एनकॉर्ड एपेक्स कमेटी मीटिंग में राष्ट्रीय मादक पदार्थ श्वान पूल बनाने का निर्णय लिया गया था। इसी फैसले पर कार्य करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बीएसएफ, असम राइफल्स, एसएसबी, एनडीआरएफ के सहयोग से नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग्स का एक पूल तैयार किया है, जिसे नार के नाइन का नाम दिया गया है। नार के नाइन पूल में विभिन्न नस्लों के डॉग्स हैं, जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि अपनी सूंघने की क्षमता से मादक पदार्थों का पता लगाकर ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में मदद करेंगे। इन नारकोटिक्स इम्प्रिंटेड कैनाइंस को एनसीबी की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात किया जा रहा है। नार केनाइन पूल सभी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए उपलब्ध होंगे, जो अपनी जरूरत के आधार पर इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। नार केनाइन पूल को मैरुआना, कोकेन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन, एमडीएमए और एक्सटेसी जैसे मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए तैनात किया जाएगा। ड्रग्स मुक्त भारत कैंपेन को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है नार केनाइन पूल। समग्र भारत में ड्रग्स के विरुद्ध आओ मिलकर लड़े निर्णायक युद्ध।